नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आरसीबी के फैन जो है हर साल नई उम्मीद लेके आते हैं कि ये साल जो है हमारा साल हो सकता है और ये साल जो है आरसीबी की टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हर साल जो है आरसीबी की टीम उनके फैंस को निराश करती है। कल भी जो है ऐसा ही हुआ, जीता जिताया मैच जो है आरसीबी खुद अपने हाथों से हार गई। तो इस वीडियो में बात करने वाली है कम्प्लीटली आरसीबी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्रिकेट की बातें करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी याद से कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप सभी ने मैच के बाद में विराट कोहली का इंटरव्यू सुना होगा तो वहाँ पे जो है आप सभी ने देखा होगा कि जो विराट कोहली है उन्होंने कहा था कि हमारी टीम जो है चार ओवर में अगर 75 रन डिफेंड नहीं कर सकती है तब जो है हम जीतने के लायक नहीं है। दोस्तों, चार ओवर में 75 रन बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है आरसीबी के गेंदबाज ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये दूसरी बात थी कि उनके सामने जो है आंद्रे द रसल का मसल पावर था, वो तो एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी है। ये साल जो है रसल बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। किसी भी गेंदबाज को जो है रसल ये साल बिल्कुल भी बख्श नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है आप सभी से बोलना चाहूँगा, अगर आप सभी के पास क्रिकेट की अच्छी खासी नॉलेज है, स्किल है, तो आप जो है अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसका जो लिंक है मैंने अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जो है उसको डाउनलोड कीजिए। तो ये जो ऐप है आप सभी से गारंटी लेती है कि आपको जो है इस ऐप पर बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको टीम्स नहीं बनानी है, आपको जो है सिर्फ सिंपल से क्रिकेट के सवालों के जवाब देने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आप जो है यहां से अच्छे खासे पैसे जीत सकते हैं। दोस्तों, अभी जो है फिलहाल नोस्ट्रा प्रो फैंटेसी की दुनिया में टॉप 5 ऐप में चल रही है, तो आपको जो है बहुत सारे पैसे जीतने का मौका दे रही है। दोस्तों, ये बात दूसरी है कि जो आरसीबी की टीम थी उन्होंने मिस फील्डिंग किया, कैचेस छोड़ा, लेकिन इतना कैच छोड़ने के बाद, इतना मिस फील्डिंग करने के बावजूद जो है आरसीबी के गेंदबाजों के पास चार ओवर में 75 रन डिफेंड करना था, उसको भी जो नाकामयाब रही। सबसे बड़ी गलती मोहम्मद सिराज ने 2 कैच छोड़ा और 2 बीमर डाला। एक बीमर डाला क्रिस लिन को, 6 मारा, दूसरा नो बॉल डाला रसल को, उन्होंने भी 6 मार दिया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मेरे हिसाब से पूरा जो गेम घुमा वो था मोहम्मद सिराज की वजह से। मिस फील्डिंग किया सिराज ने, 2 कैचेस छोड़े और गेंदबाजी बहुत ख़राब की। लेकिन उसके बाद जो हुआ, रसल द मसल का पावर देखने मिला और अंत में जो है सऊदी को छक्के चौके 28 रन का रन जो है रसल ने मार दिया था। तो यहीं पर दोस्तों जो है रसल का पावर दिखाई दिया और जो आरसीबी की गेंदबाजी थी वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई पड़ी थी। दोस्तों, कब तक जो है विराट कोहली और एबी डिविलियर्स अपने बलबूते पर जिताएंगे? चाहे जो है एबी डिविलियर्स और कोहली कितना भी स्कोर मार दे, 200 के ऊपर मार दे, लेकिन जो आरसीबी गेंदबाज है वो जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, वो जो है चेस करा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो है बेंगलोर की टीम को कुछ सोचना पड़ेगा और बिल्कुल जो है सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही कमज़ोर लाइनअप दिखाई पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा रन लुटाते हैं आरसीबी के गेंदबाज। तो यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा आरसीबी के टीम मैनेजमेंट को। दोस्तों, अगर आप सभी को जो है आईपीएल का टूर्नामेंट जीतना है तो आपकी जो गेंदबाजी के लाइनअप है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। आप जो है अच्छी गेंदबाज लाइनअप से 1-2 मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे में जो है बेंगलोर की टीम को विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये टीम जो है बहुत ही कमज़ोर दिखाई पड़ती है और दूसरे मामले में। तो दोस्तों, आप सभी के हिसाब से क्या गलती की आरसीबी की टीम ने जो कि उनको कल के मुकाबले में इतनी करारी हार देखने को मिली? मैंने जो सोचा आप सभी को बता दिया। आप सभी की राय जो है बताओ नीचे कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।